ये धूम मचाने के लिए 55 लाख रुपए खर्च किए गए और ये धूम मची झारखंड के आम जनता की गाड़ी की कमाई की, जिस दौर में सुनिधि चौहान के लाइव परफॉर्मेंस की कीमत 12 से 20 लाख रुपए के करीब थी, उस पर रघुवर दास की सरकार ने 55 लाख रुपए खर्च कर दिए। रघुवर सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे सरयू राय का आरोप है कि 55 लाख रुपए सिर्फ रांची में सुनिधि चौहान के लाइव परफॉर्मेंस के लिए नहीं दिए गए। 2016 के स्थापना दिवस समारोह के 3 दिन बाद जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा के सूर्य मंदिर में भी सुनिधि चौहान ने परफॉर्मेंस दी थी। उस मंदिर समिति के संरक्षक रघुवर दास थे। रघुवर दास ने रांची के नाम पर जमशेदपुर का भी पेमेंट करवाया था, वो भी जनता के टैक्स के पैसे से। के स्थापना दिवस समारोह में टी शर्ट और टॉफी घोटाले के भी आरोप लगे हैं। सरयू राय ने आरोप लगाया है कि 2016 के स्थापना दिवस समारोह के दौरान रांची में बच्चों की प्रभात फेरी निकाली गई। इसमें सरकार ने 5 लाख बच्चों को टॉफी और टी शर्ट बांट दिए। एक दिन में इतने बच्चों को टॉफी और टी शर्ट बांटना संभव ही नहीं है। सरयू राय ने आरोप लगाया है कि टॉफी की खरीद जमशेदपुर के लाला एंटरप्राइज से की गई थी। टी शर्ट भी लुधियाना से जमशेदपुर के ही स्थानीय एजेंट के माध्यम से खरीदी गई थी। ना क्या है, बार बार जब राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ने कह चुका है कि भाई जांच होनी चाहिए, तो इसमें राजनीति वो क्यों कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास का दावा है कि उन पर लगाए गए तमाम आरोप राजनीति से प्रेरित और झूठे हैं। एसीबी जांच की मंजूरी मिलने के बाद रघुवर दास ने बयान जारी कर कहा है, सियानी बिल्ली खंभा नोचे, हमने 5 साल ईमानदार सरकार और ईमानदार प्रशासन दिया है, इसके बावजूद अगर किसी को लगता है कि कोई गड़बड़ी हुई है तो किसी भी जांच का मैं स्वागत करता हूं। सांच को आंच क्या, इस सरकार ने विधानसभा में स्वयं स्वीकार किया था कि इस मामले में किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हुई है। अभी हाल के दिनों में मैंने ही राज्य सरकार पर कुछ गंभीर सवाल उठाए थे, शायद निशाना सही जगह लगा है। फर्जी टॉफी बांटना, फर्जी टी शर्ट बांटना, फर्जी कंबल, चूहे से डैम कुतुरवाना, फर्जी नौकरी के आंकड़े जारी करना, ये सभी काम, फिर भी आपका कुछ स्टैंडर्ड था, लेकिन गंजी घोटाला, अरे तंबू घोटाला करता, झारखंड का क्या बुरा संदेश जाएगा कि मुख्यमंत्री ट्रॉफी खा गए 50 लाख के।
झारखंड का मुख्यमंत्री 3 करोड़ का टी शर्ट लूट के ले गए, ये सही स्टैंडर्ड नहीं है। 2016 के स्थापना दिवस समारोह में सरकारी पैसों की बर्बादी हुई थी या नहीं, ये तो एसीबी की जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जिस तरह रघुवर सरकार के दौरान हुई इवेंट्स की जांच एक के बाद एक एंटी करप्शन ब्यूरो को सौंपी जा रही है, उससे आने वाले वक्त में झारखंड की सियासत में गर्मी जरूर पैदा होगी। समाचार प्लस के लिए रांची से अंकुर सिन्हा की रिपोर्ट। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही।